आईटी टेक्निकल स्किल सिवान में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम होंगे वो किस प्रकार से हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हम चलकर देखते हैं वो कहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के आपका डेमो पेपर होगा, वो सारी चीज़ों की डिटेल हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पर गूगल सर्च करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर लिखना है NCVT ऑनलाइन मॉक टेस्ट इलेक्ट्रीशियन, जो भी है इलेक्ट्रीशियन फिटर, आपको प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, जो भी ट्रेड है वो अपने अपने ट्रेड के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे की तरफ खुल के आ जाएगा यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देखिए ITI इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन नेमी ओशन मॉक टेस्ट। इसी प्रकार से और सारे नीचे की तरफ जाएंगे तो और सारे यहाँ पे खुले हुए रहेंगे। इसमें चलते जाएँ नीचे की तरफ, एकदम लास्ट में नीचे जाएंगे, एक कोई भी सर्च करके इस तरह से इनमें से सभी आते रहेगा, तो कोई भी एक इसमें से आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले ही वाले सर्च कर लिया, यहाँ से ये खुल गया सर्च करने पे। इसके नेक्स्ट नीचे में चलेंगे आपको तो यहाँ पे सभी चीज़ें शो करेगा, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, आपको इसमें कौन से देना है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का देना है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का देना है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग का देना है, या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देना है, जो भी आपको यहाँ पे देना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में चलेंगे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर मॉक टेस्ट देना है, तो सेकेंड ईयर का यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया गया, NCVT के द्वारा थ्योरी का दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दिया गया है। इसमें आपको ये एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पर सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग इंक्लूड नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देखिए चार टॉपिक आपको दिए गए हैं, यहाँ पे क्या क्या चार टॉपिक दिए हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे थ्योरी का दिया गया है, बॉक्स ऑफ पोजिशन साइंस दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया गया है, और लास्ट में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो इसमें आपको हम बताए थे कि ये 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बॉक्स ऑफ कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, जोड़कर आपको 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्च का होगा, इसलिए ये आपको 150 नंबर के हो जाएंगे, ये बात हमने बताया हुआ था। अब चलिए इसके नेक्स्ट में हम चलते हैं, किसी एक को टॉपिक को खोलते हैं और उसके आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग को खोला, इंजीनियरिंग यहाँ पर ओपन हो रहा है, ओपन होने पर नीचे की तरफ आप जाएँगे स्लाइड करके, इसके यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है क्या चीज़ें वो देखिए अंडरलाइन कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पर लिखा गया सभी एक और दो वर्षीय ट्रेडों के प्रथम वर्ष के लिए ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉक टेस्ट यहाँ से लगाएं। DGT ने नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित ITI CBT परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ टॉपिक वार मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर अपडेट है। नेक्स्ट में आप चलेंगे तो आपके यहाँ पे टॉपिक क्या क्या है वो देखिए, इसकी हम चर्चा इस वीडियो में कर देते हैं कि ये ED आपको है फर्स्ट ईयर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। इसमें आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला जो चैप्टर होता है उपकरण टूल्स जो होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, सेट स्क्वायर, पेंसिल, कटर, रबड़, इरेजर्स, ड्राफ्टिंग मशीन, स्केल, फ्रेंच कर्व, ETC जो भी आपके होते हैं, ये सभी की इसमें ड्राइंग शीट की भी आपको देखना है। उसी तरह से आपको अगला है ड्राइंग शीट ना, ये आपको मार्किंग वगैरह की गई जाती है, फोल्डिंग की जाती है, मार्जिंग लाइन, ट्रिम साइज, अनट्रिम साइज, फोल्डिंग, ग्रीड, ये सब चीज़ें उसमें दी गई होती है। तो वहाँ से इसके डिटेल को हम बताएंगे एक एक करके, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे इसमें। तो आप वीडियो में प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़कर इसको देखिए और अपने स्कोर अच्छा कीजिए। दूसरा है यहाँ पे लाइन के बारे में बताया गया कि लाइन जो होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आप इसमें बताएंगे हम आपको लाइन कौन कौन सी होती है। जैसे आपको इसमें देखेंगे कि एक्सटेंशन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन मिलेगी आपको, उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट लाइन होगी, हिडन लाइन होगी, सेंटर लाइन होगी, ये तमाम प्रकार की लाइनें होती है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर में आपको पढ़ना होगा सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल से रिलेटेड रेडियस, चाप, डायमीटर, तमाम प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, त्रिज्याखंड क्या होगा,
तमाम प्रकार के। अब इसे वर्ग है तो वर्ग में पूछा जाएगा कि वर्ग के भुजाएं की सम क्या होती है, कोण कितने डिग्री के होते हैं, कौन सा चतुर्भुज है, आयत में भी चलेंगे समलंब चतुर्भुज, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसे मिलेंगे। जैसे आपको इसमें सिलेंडर मिलेगा, आपको कोण मिलेगा, इस तरह के आपको बहुत सारा जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होंगे वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो है टॉपिक का अगला वो देखेंगे अक्षरांकन और नंबरिंग, नंबर को जो इस पर कोई वैल्यू ड्राइंग में आप लिखते हैं, जैसे 20 mm 25 mm कोई भी कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आपको ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखना है, चाहे आइसोमेट्रिक लिखना है, ऑब्लिक लिखना है, प्रोजेक्शन लिखना है, टाइटल बॉक्स के अंदर आपको ड्राइंग लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ये सभी किस लेटर में लिखे जाते हैं, कितने उनकी चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, लेटर थिकनेस क्या होता है, कितने टाइप से लिखे जाते हैं, रोमन, इटैलिक, गोथिक, टैक्स, ये तमाम प्रकार के इसमें पढ़ना है। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है डायमेंशन बीमांकन, तो बीमांकन के भी प्रकार होते हैं, सिस्टम होते हैं, फीचर्स होते हैं, इन तमाम क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको डायमेंशन लाइन जो है कितनी दूरी पर खींची जाती है, डायमेंशन लाइन में एरोहेड बना होता है, एरोहेड का रेशियो क्या होता है, इनसे आउट से डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी क्या होता है, डायमेंशन लाइन करने की मेथड है वो छोटी बड़ी किस तरह से की जाती है, तमाम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो टॉपिक एक एक खोल के आपको वहाँ से बताएंगे, तो ये आपका एक सब्जेक्ट का यहाँ से आपको देखने को मिला। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का खोलते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन को खोलते हैं, तो नेक्स्ट नीचे जाकर आप पेज में देखेंगे कि यहाँ पे आपका खुल चुका है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने हैं टोटल यहाँ पर 10 टॉपिक पढ़ने हैं, 10 टॉपिक में आपको देखिए यहाँ पर कुछ हाइड हुए हैं ऊपर की तरफ, उसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ने क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट फैक्टर एंड फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको पढ़ने हैं पहले स्क्वायर रूट एंड रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पढ़ने हैं, मटेरियल साइंस पढ़ना है यहाँ पे, मास वेट एंड डेंसिटी यहाँ पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी वर्क पावर एंड एनर्जी यहाँ से पढ़ना है, हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको यहाँ, ये मतलब इस तरह से टॉपिक आपको सिलेक्ट किए हैं NCVT के द्वारा कि ये टॉपिक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुल 6 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको यहाँ पे देखिए बचा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिक्स बचा हुआ है, दूसरा है मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेबर एंड सिंपल मशीन जो आपको है, लेबर एंड सिंपल मशीन ये, और ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन की तैयारी करना है, एक एक टॉपिक को निकाल कर क्वेश्चन को पढ़ना है और वहाँ से आंसर करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका CVT का जो, चलिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक जो है हम बता रहे हैं आपको कि लास्ट आपका क्या है। अब आपको इस सब पढ़ लेने के बाद, सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आना है CVT एग्ज़ाम 2022, मतलब आपने TT पढ़ लिया, ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देख लिया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस देख लिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग देख लिया, इसके बाद आपको एम्प्लेबिलिटी स्किल सभी टॉपिक को पढ़ लिया। तो पढ़ने से पहले भी इस टेस्ट को एक बार टेस्ट लगाइए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको क्लियर होगा या, और उसके बाद आप चले जाए ये सभी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़िए और वहाँ से इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने वाले वीडियो को यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग को टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे आपको कि एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को जाकर वहाँ से सॉल्व करें या डेमो एग्ज़ाम देकर अपना स्कोरिंग चेक करें कि क्या आपका एग्ज़ाम होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत